पुलिस ने रोका दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे सड़क पर लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम। एक एक गाड़ी की हो रही चेकिंग, जाम में फंसने से कई लोगों की बिगड़ी तबीयत। गाड़ियां सड़क पर ही छोड़ पैदल निकले लोग। तो दिल्ली में सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस मुस्तैदी बढ़ते हुए एक एक गाड़ी की जो चेकिंग है वो की जा रही, लेकिन इस दौरान जाम में फंसे लोगों को काफी दिक्कतें, कई लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, जिसके चलते गाड़ियों को छोड़ पैदल निकले लोग। तो दिल्ली में सीए के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। पुलिस ने दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे को रोका सड़क पर, 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा। आप स्थिति को समझ सकते हैं, तो वही एक एक गाड़ी की चेकिंग जो है वो की जा रही है। तो जाम में फंसने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है और सड़क पर 8 किलोमीटर लंबा जाम, किस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली में लगातार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, तस्वीरें 8 किलोमीटर लंबा जाम। तो आप खुद समझ सकते हैं लोगों की मनोस्थिति उस वक्त क्या होगी, क्योंकि 8 किलोमीटर का लंबा जाम, एक एक गाड़ी को यहां पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि स्थिति जो है बीते दिनों काफी हिंसक दिल्ली में देखने को मिली थी इस कानून के खिलाफ। तो दोबारा वो स्थिति ना बने, इसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी आम लोगों पर भारी पड़ती दिख रही है। 8 किलोमीटर लंबे जाम में लोग फंसे हुए हैं, एक एक गाड़ी यहां पर चेक की जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना वक्त यहां पर लोगों को लग रहा है, और ऐसे में कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी भी मिल रही है, जिसके चलते लोग गाड़ियों को छोड़ पैदल निकलना शुरू हो गए हैं। तो सड़क पर 8 किलोमीटर लंबा जाम, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दौरी मार लोगों को यहां पर झेलनी पड़ रही है। जहां एक तरफ ठंड का अटैक लगातार जारी, तो दूसरी तरफ इस अग्नि परीक्षा से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। 8 किलोमीटर लंबा जाम का जो है सामना करते हुए दिक्कतों का यहां पर सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी है, जिसके चलते लोग गाड़ियों को छोड़ पैदल ही निकल पड़े। तो देशव्यापी बंद लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और अब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को रोका गया है, बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से इस पूरे मार्ग को बाधित किया गया है, लेकिन इस दौरान एक एक गाड़ी को चेक कर किया जा रहा है, ताकि कोई ऐसा संदिग्ध शख्स या ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो पाए जिससे माहौल खराब हो सके। तो मुस्तैदी कहीं ना कहीं लोगों पर भारी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो गाड़ियों की चेकिंग के चलते लंबा जाम, और एक एक गाड़ी को जो है वो कंगाला जा रहा है, चेकिंग यहां पर की जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस चल रहा होगा। तो अब इसके चलते लोग गाड़ियों को छोड़ पैदल ही निकल पड़े हैं। तो एहतियात के तौर पर कई मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया है। अगर लोग अपने पर्सनल कन्वेंस को छोड़कर मेट्रो का भी रुख करते हैं, तो कई जो मेट्रो स्टेशन है वो भी एहतियात के तौर पर बंद किए गए हैं। तो चारों तरफ से आम जन को कहीं ना कहीं इस कानून के विरोध के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।